हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अपना सचिन सूरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इन विथ मी में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पेन ईयर बाय का जो हम आधार एटीएम से विड्रॉ करते हैं यानी आधार कार्ड से कस्टमर का पैसा निकालते हैं, उसके लिए हमें रजिस्टर्ड मेंटेनेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर ये जरूरी है तो क्यों जरूरी है, कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं करिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो में आपको ये सब बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा काम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझ पर विश्वास कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से सब्सक्राइबर नहीं आपका विश्वास भी कमाने आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पेन ईयर बाय में रजिस्टर मेंटेनेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये आपका सवाल है कि पेन ईयर बाय में आधार एटीएम का रजिस्टर मेंटेनेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा ये उत्तर है कि करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, इस बात को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम करते क्यों नहीं है। देखिए, बात यूँ है, जब कस्टमर आता है हमारी दुकान पे, तो हम उसका फिंगरप्रिंट से फ्राक से पैसा निकालते हैं, हम उसको फ्राक से देते हैं। अगर हम रजिस्टर मेंटेनेंस करने लगे तो थोड़ा सा समय, 2-3 मिनट का समय एक कस्टमर में लग जाता है। जब भीड़ भाड़ रहता है तो हम कस्टमर हल्ला करने लगता है, बहुत सारे हैं कि हम अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते हैं। पर अगर 2-3 मिनट का मेहनत आगे चल के हमें अच्छा करे, और वो 2-3 मिनट का मेहनत हम अभी बचाएं और आगे हमें वो ख़राब करे, तो आप सोच लीजिए क्या करना चाहिए। 2-3 मिनट मेहनत कर लेनी चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि रजिस्टर मेंटेनेंस क्यों करना चाहिए। रजिस्टर मेंटेनेंस इसलिए करना चाहिए, मान के चलिए कस्टमर आज अभी आपके यहाँ से विड्रॉ करके गया पैसा 5,000, ठीक, तो वो गया विड्रॉ करके, बाद में फिर आके बोलेगा कि देखिए मेरे अकाउंट से इतना पैसा कट गया है, अब हम तो इतने निकालें, कैसे कट गया, उसका आपके पास क्या सबूत रहेगा। आप उसको दिखाइएगा कि ये देखिए मैंने आप रजिस्टर पे साइन भी किया है, हाँ आपने इतना पैसा निकाला है और आपका इतना बचा, मैंने आपको बताया भी, तो आपका यहाँ पर झंझट खत्म हो जाएगा। दूसरी कि जब हम पैसा निकालते हैं तो हमारे जब बैंक अकाउंट में करेंट अकाउंट जब जिसमें से हम वॉलेट से अपने करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पे कुछ होता है, जैसे हम बैंक से पैसा उठाते हैं वहाँ 1,00,000 तक, 1 करोड़ का जब हम यूज कर लेंगे यानी 1 करोड़ पैसा बैंक से निकाल लेंगे, तो हमारा टीडीएस कटता है, उस समय हमें ये रजिस्टर हेल्प करेगा। और दूसरी बात, अगर मेरा सेविंग अकाउंट है, अगर मेरा सेविंग अकाउंट है मैं बिना ध्यान दिए 10,00,000 से प्लस ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ, मतलब आधार पर से बिटअप किया, वहाँ गया, वहाँ से पैसा निकाल के बैंक से पैसा निकाल के लाया, 10,00,000 से प्लस हो गया और मुझे इनकम टैक्स का मतलब आ जाता है, नोटिस आ जाता है, तो मेरा तो नहीं आया है, मतलब बहुत लोग, मैंने वीडियो ही देखा, मैं ऐसे में एक्सपीरियंस नहीं है ये वाला जो हम बता रहे हैं, मैंने वीडियो से देखा है कि वहाँ पर आ जाता है, तो रजिस्टर का हम फोटो कॉपी करके सबमिट करते हैं तो हमारा वो नोटिस हट जाता है, हमारे ऊपर जो इनकम टैक्स का नोटिस आता है वो हट जाता है, कि वो इनकम टैक्स में हमसे पूछता है कि इतने आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो हम अपना रजिस्टर उल्टा के दिखा देते हैं इसीलिए हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और हम आसानी से इनकम टैक्स वाले को जवाब दे सकते हैं और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि हम ये मतलब कहाँ से इतना ट्रांजैक्शन किए, रजिस्टर दिखा दिया वो भी मान गए, बस हमारा झंझट खत्म। पर तो मैं यही कहूँगा, अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं मतलब पेन ईयर बाय से, तो आप करेंट अकाउंट एक बैंक में जाके खुला लीजिए, उसमें आप 1 करोड़ ट्रांसफर करिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर सेविंग अकाउंट में आप वैसे तो जनरली दिक्कत नहीं आती, हो भी सकता है बहुत आदमी को आया भी है आयकर विभाग से नोटिस कि आप इतना ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हैं, तो आप बस भाई आप रजिस्टर मेंटेनेंस किए हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं किए होंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी, अब रजिस्टर दिखा दीजिएगा, फोटो को सबमिट कर दीजिएगा, वो हट जाएगा और हो जाएगा। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में सीख लिए होंगे कि हमें रजिस्टर मेंटेनेंस क्यों करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो डालता रहूँगा, पेन ईयर बाय से जुड़े और सही पोर्टल से जुड़े ट्रेनिंग टिप्स, बिजनेस आइडियाज, कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, ये सारे वीडियो में एक पे एक डालता रहूँगा। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस है, मैं देख सकती हूँ मैं इतने से उम्र में भी इतना दुकान चला रहा हूँ, तो छोटे से दुकान में शुरू किया था, अभी इतना बड़ा दुकान है मेरा, बड़ा तो नहीं है, गुमटी में ही है, पर फिर भी मेरे हिसाब से मैंने बिजनेस को अपना ग्रोथ किया, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना है, बबट सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।